हेलो जी, आज स्वागत है आपका सुबह सुबह मेरे एक नए ब्लॉग में। और करवा चौथ के बाद मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया कोई भी, और मैं आ गई हूँ किचन में। और वैसे तो कोई सुबह नहीं है, 8 बज रहे हैं। आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। और ये हैं ढेर सारी सब्जियाँ, और मैं क्या बना रही हूँ। और ये देखिए, मैंने सारी सब्जियाँ मिक्स करके कट कर ली हैं, ढेर सारी पड़ी थी, थोड़ी थोड़ी एक सब्जी भी नहीं बन सकती। और तो मैंने सोचा सांभर मिक्स करके, सारी सब्जियाँ कट करके सांभर बना देती हूँ, तो मैं बना रही हूँ सांभर। तो ये रात की बची पड़ी है रोटी, ये देंगे गाय को। और दूध उबाल दिया है मेरे बेटे के लिए। छलनी से दूध छान लेती हूँ। और ये छलनी आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये मैं बस स्पेशल में डालने के लिए दो ले आई थी, बाय वन गेट वन फ्री थी 100 रुपए की। और मेरे पास बेसन इस साइज का नहीं है जो कि ये छलनी उसमें आ जाए, तो मैंने इसको किचन का छलनी बना लिया। देखो इंडियन बड़े जुगाड़ी होते हैं। जतिन दूध ले जा। दाल डाल दूंगी। अरे भिगोई हुई दाल चिपक जाती है कटोरी के। तो हम देख रहे थे पूरे दिन से मैच। अभी धुल रहे हैं मेरे कपड़े, और आज सुबह से देख रहे हैं मैच, कुछ काम नहीं किया है। और जो मैच देखने बैठे थे वैसा कुछ नहीं हुए, कोई बात नहीं। और 9:30 हो रखे हैं, अभी मैंने बच्चों के सुबह पहन के जाने कपड़े ड्रेस डाली हैं, वाइट वाले रखे हैं टब के अंदर, और रंगीन वाले डाल दिए। हाथ में ले रखा है चाकू, और अभी बनाऊंगी मैं सब्जी। 9:30 हो गए और बच्चे बोल रहे हैं हम खाना नहीं खाएंगे। और ये वाला एरिया मेरा यूटिलिटी एरिया है, मैंने बहुत बार बताया है वीडियो में। ये फाइबर लगा, जाली लगी हुई है, जाली के फाइबर लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है गिलास, तो कपड़े रात को आराम से सूख जाएंगे, और बारिश आए तो बारिश बिल्कुल नहीं लगती। और इस एरिया में बहुत सारा सामान है, जो भी सामान होता है वो पीछे जल्दबाजी में रख देते हैं, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा सामान रहता है। तो कपड़े धुल रहे हैं, अब चलिए करते हैं कुछ काम। और ये रखे हैं बर्तन, कितने पूछो मत आप, इतने बर्तन हैं, क्योंकि सुबह से टीवी के आगे बैठकर खावा पी कर रहे थे और काम कुछ किया नहीं था, बहुत बड़ी उम्मीद थी। और अब मैंने सोच लिया कि मैं बना रही हूँ कड़ी, और सच पूछो तो आज किचन भी क्लीन नहीं किया, क्योंकि आज टीवी देखने में लगे हुए थे। और अब थोड़ी सी कड़ी बनाऊंगी। और
इंडिया मैच हार गया, बड़ा अफसोस, बहुत अफसोस हुआ है। कोई बात नहीं, खेल है, खेल की भावना से खेलना चाहिए, इतना सीरियस लेने की क्या बात है। बच्चों बच्चे सीरियस लेते हैं, देखो अब उठाऊंगी ये पूरा सामान। ये कुर्सी पे बर्तन, ये सॉरी बर्तन क्या कपड़े पड़े हैं, ये कुर्सी पे कपड़े पड़े हैं प्रेस करने वाले। पीछे तो मैंने बर्तन क्लीन करके रखे हैं। और ये देखिए भाई, तीन रस्सी बांधी हुई है, तीनों रस्सियों पे ढेर सारे कपड़े हैं, ये आयरन करने वाले। अब मैं इन कपड़ों को फोल्ड करके और आयरन करके रखूंगी। तो अभी मैं करती हूँ वीडियो को एंड, और मिलते हैं कल नेक्स्ट एक और नए ब्लॉग में। और अब मैं कर लेती हूँ काम, तो तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ एक बात और, मैंने ये दीपक लगा दिए इधर भी, इधर भी। ये मेरी तुलसी है बहुत बड़ी, गेट के आगे जहाँ पौधे लगे हुए हैं वहाँ पे बहुत बड़ी तुलसी है। गमले में तो इतनी हरी भरी तुलसी आती नहीं, देखो कितनी तुलसी है। और दीवार पे भी कर दिए। और आपको बता दूँ कि एकादशी के बाद जो पांच दिन हैं, आप जितने चाहो उतने दीपक कर सकते हो। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ही महत्व है, कितने भी दीपक करो, आप कहीं पर भी जाके करो, देवालय में जाके करो, मंदिर में, और पिंपल पीपल के पेड़ के नीचे करो, बड़ के पेड़ के नीचे करो, आंवला के पेड़ के नीचे करो, बेलपत्र के पेड़ के नीचे करो, कहाँ पर भी करो, जितना दीपक हो सके उतना दीपक करो। और ये मेरे को भी किसी ने बताया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो दीप जलाओ, रोशनी आएगी और बहुत अच्छा। अगर बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, अच्छा ही है, रोशनी तो अच्छी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।